तो वहाँ ये महाशय आए, विकास दुबे जो बता रहे हैं, ये मेरे से पूछते हैं कि बैग कहाँ रखो, जूता स्टैंड पे रख सकता हूँ, तो मेरे इस पे रख दीजिए आपके देख पे। तो ये वहाँ से बैग रख के चले गए अंदर। हमारे रोड शो के जो सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर है, ये तो वाच कर रहे थे, इनको लगा कि ये शायद विकास दुबे हो सकता है, वाच कर रहे थे। जब दर्शन करके बाहर निकला तो इसको पूछताछ के लिए वहाँ बिठा लिया। फिर यहाँ विजय राठौर जी हैं अपने चौकी पे, इनको बुलाया, इन्होंने तो पूछताछ करी, तो वहाँ से भागने की कोशिश भी करी, फिर इसको वापस पकड़ के बिठाया। फिर इसको ऊपर रसीद, वी आई पी रसीद थी, इसके बाद नाम वगैरह होगा ना, उसमें नाम नहीं क्या लिखा है, नहीं नाम रसीद रसीद फाट पे है। फिर क्या हुआ, इसको चौकी पे लाया, चौकी पे पूछताछ करी, शायद वो इन्वेस्टिगेशन में बताया उसने कि मैं विकास दुबे हूँ, थाने लेगा उसको। क्या नाम आपका? गोपाल सिंह कुशवाहा। कैसे हुआ जगह, कैसे हम लोगों को पता चला, पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। दो घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया उसका, उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आ गया ये? 7 बजे के लगभग आया, कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हैं उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम सब लोग देखते हुए। हम लोगों ने, वो अकेला ही था जी? वो अकेला ही था जी? हाँ, वो 2-3 लोग थे, पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। फोर व्हीलर है, उनको पकड़ के कहा, अभी पुलिस कस्टडी में रखा गया है, उन लोगों की इंक्वायरी की जा रही है, अभी देखते हैं क्या। क्या नाम है आपका? लखन यादव, सुजालपुर। बड़ा हो, हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है, गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। सर, मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। सर, पुलिस ने इनके साथियों का एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है, और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था, और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है? चूंकि ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था, और पूरी निगाह रखी जा रही थी, और गिरफ्तार किया।